सो सॉलिड स्टेट में हम लोग ने जो है लैटिस से पहले सिंपल सेल्स के बारे में डिस्कस करा था आपका यूनिट सेल्स के, ये आपका सिंपल क्यूबिक और प्रिमिटिव दिया था, इसमें जो एटम्स होते हैं वो आपके सारे कॉर्नर्सल होते हैं, ठीक है, ओनली कॉर्नर्सल होते हैं जैसे, और इसमें भी एटम्स का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एटम इतने बड़े बड़े हो जाएं एक दूसरे को टच कर, ठीक है, इसको आप थ्री डायमेंशनली इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक, कि आपका ये आपस में जो एट बॉल्स है एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसका एनिमेशन भी हम लोग पुट करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे आप लोगों को। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। फेस सेंटर्ड में आपका तो ये आपका FCC होता है। तो इसमें जब हम आपको आगे इस तरीके से दिखाएं सिंपल क्यूबिक को कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, ये दोनों को दूसरे को टच कर रहे हैं, और इसमें इसकी साइड मान लो A है, इसकी रेडियस आपकी R है, तो A में 2R की रिलेशनशिप है। तो इस चीज से आप कंफ्यूज ना हो, तो ये एक प्रकार से इसके जो एटम्स होते हैं छोटे छोटे उनका एक्सट्रीम केस होता है। इसी तरीके से ये एटम्स भी इतने बड़े बड़े हो सकते हैं कि एक फेस के ये तीनों एटम एक दूसरे को टच करें। इसके लिए हमारे पास बड़ा अच्छा मॉडल है, इसको आप देख सकते हैं, दिस वन, दिस इज फेस सेंटर, ठीक है, ये आपके कॉर्नर्स के एटम्स हैं, ठीक है, और ये आपके फेसेस के एटम्स हैं, ठीक। तो जो फेसेस के आपके एटम्स हैं ये आपके जो है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको इससे काफी सारा स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाएगा, कैसे बनाया गया है, क्या है वो एक मॉडल, ये वो एक अपने आप में बड़ी कहानी है, ठीक है, कि किस तरीके से मॉडल बना है, किस तरीके से डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका FCC, तो FCC में तीन एटम एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं जिनको हम डायग्राम्स वगैरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इसमें जो है हम ये एटम, दिस वन हियर, दिस वन, ये भी बड़ा हो जाएगा आपके इसके टच में होगा, ठीक है, और दिस वन, ठीक है, ये एक दूसरे के टच में। तो ये जो आपकी लेंथ थी ये उधर के यहां पर, तो यहां पर जो हम केस ले लेते हैं वो आपका जो ये लेंथ है, दिस वन, दिस वन ए रूट टू थी, तो ए रूट टू इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं आर प्लस टू आर प्लस आर, दैट इज इक्वल टू फोर आर। इस फॉर्मूले का हम लोग इसमें यूज करें। इसी तरीके से जो है हमारा बॉडी सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है, इनको हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बॉडी सेंटर्ड में आपका क्या होता है कि आपके एटम्स एक तो कॉर्नर पर होते हैं, और एक बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड का मॉडल आप ये समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल क्लियर, बॉडी सेंटर्ड है, कॉर्नर के एटम है और ये बॉडी के सेंटर है। यदि इन एटम्स के हम जो सेंटर्स हैं उनको जॉइन कर दें आपस में तो आपका ये बॉडी सेंटर का डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बॉडी सेंटर्ड है इसमें हम इन एटम्स को ज्वाइन कर दें, इनको तीनों को
स्ट्रेट लाइन में, ये आपका नीचे उतर के आ जाएगा ऐसे, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये हो गया तीसरा, ठीक है। और जो इनमें आपने साइड की लेंथ ली थी, ठीक है, वो आपकी ये होगी दिस वन, ठीक। यदि ये ए है तो ये बॉडी डायगोनल कितना होगा, ए रूट थ्री। तो यहां पर हम फोर आर इजिकल्स टू ए रूट थ्री आर, ठीक। ये आपका बॉडी सेंटर है, ठीक। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट फिगर है वो है आपकी किसकी, एंड सेंटर्ड की। तो एंड सेंटर्ड में क्या होता है कि भाई आपके कॉर्नर पैटर्न प्रेजेंट होते हैं प्लस दो एटम्स आपके फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड सेंटर्ड की और ज्योमेट्री आपकी इस तरीके से बनता है, एंड सेंटर्ड, ठीक है। ये दो एंड सेंटर्ड एटम है और ये आपके कॉर्नर्स के एटम्स हैं, ठीक है। तो ये इसलिए एंड सेंटर्ड जो होता है आपका, ये आपकी क्यूबिक में नहीं पॉसिबल, मतलब क्यूबिक में तो पॉसिबल है लेकिन ये जो है आपका एक स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री में ही पॉसिबल हो पाता है एंड सेंटर्ड, ठीक। तो जो है एंड सेंटर्ड ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि हम जो कॉर्नर का एटम है, कॉर्नर एटम उसका वन बाई एट ले रहे थे, फेस के एटम का 1/2 कंसीडर कर रहे थे, और आपका साइड सेंटर आइटम का 1/4 एंड बॉडी सेंटर आइटम का ऐसा क्यों कैसे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप इस मॉडल को देखें ध्यान से थोड़ा सा, ठीक है। इस एटम को मान लीजिए ये एक आपकी छोटी सी क्यूब है जहां मेरी उंगलियां है, ठीक है। तो ये इसके कोने पर प्रेजेंट है, तो ये एक इस कोने के पर प्रेजेंट है, तो ये आपकी जो एटम है ये आठ क्यूब्स बना रहा है, एक इसमें, एक इसके नीचे वाली, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और एक इसके नीचे वाली, और एक इसमें नीचे वाली। ये वैसे तो सोडियम क्लोराइड का मॉडल है लेकिन बहुत काम का है, जिससे हमारे सॉलिड स्टेट में बहुत सारी चीज समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक एटम है ये आपका एट क्यूब्स में आ रहा था, यदि हम इस क्यूब को कंसीडर करें, ठीक है, जहां मेरी उंगलियां हैं। ये जो है आपके एटम्स कॉर्नर के एटम्स हैं, यदि हम इसको पूरे को हम क्यूब ले लें, ये कॉर्नर्स के हैं, ये आपके साइड के एटम मान सकते हैं हम इनको, ये आपके फेसेस के एटम्स हैं और ये बॉडी सेंटर एटम है। तो बॉडी पूरी पूरी होती है, फेस जो है इसमें होगा और एक दूसरे में होता है, इसलिए हाफ रख लेते हैं। साइड वाला जो है एटम ये आपका चार यूनिट्स में बैठता है, जैसे इसे पूरी यूनिट सेल मान ले, तो एक आपकी जो है इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसकी इधर बगल वाली और एक इसकी इधर बगल वाली, तो उनमें ये आपका चार यूनिट सेल बैठता। तो सॉलिड स्टेट में आपको चीजों के बारे में थ्री डायमेंशनली सोचना है, क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से, मतलब सॉलिड स्टेट ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो ये जो है जैसे इसके लिए हम जेड को कैलकुलेट करें, तो यहां पर जेड क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड के लिए कितना हो जाएगा आपका, बॉडी सेंटर्ड जेड इज इक्वल टू 1/8 इंटू 8+1 दैट इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से आपका जो यहां पर एंड सेंटर्ड के लिए जेड कितना हो जाएगा आपका, 1/8 इंटू 8+ आपका 1/2 इंटू 2, तो दैट इज वुड बी कम्स टू 2। और यदि आप सिंपल क्यूबिक ले लें, तो सिंपल क्यूबिक के लिए जेड कितना हो जाएगा आपका, उसमें आपके एटम सिर्फ कॉनो पे प्रेजेंट होते हैं, इन दो बटा दे मान ले, तो आपका 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। और यदि हम एफसीसी की बात करें, ठीक है, तो एफसीसी में यहां पर भी एटम आ जाएंगे छह फेसेस पर,
तो z इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 8 इंटू 1 बाई 8 प्लस 6 इंटू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये जो है वैल्यूज हमारे को ध्यान रखनी है और ये न्यूमेरिकल्स वगैरह में रेडियस रेशियो ये सब चीजें बहुत यूज होंगी। सोडियम क्लोराइड की यूनिट सेल का एक डायग्राम है कि आपका क्रॉस सेक्शन में ये आपकी क्लोराइड आइटम है, ये सोडियम आइटम्स हैं, किस तरीके से दिखाई देंगे आपके, ठीक है ना। और इसका यदि हम रिपीटेशन करें तो ये यूनिट सेल का जो है थ्री डायमेंशनल लैटिस बनेगा, ठीक। और ये लैटिस जो है आपका, ये आपका जो है बॉडी सेंटर्ड है, इसमें आप एक सिंपल यूनिट सेल को डालें, सिंपल यूनिट सेल को डालेंगे और इसमें देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि आपके लेयर्स के एटम्स किस तरीके से होते हैं। ये 8 एटम्स है, हर एक का 1/8 पार्ट एक यूनिट के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये आपका यूनिट है फेस सेंटर्ड में आपके, ये फेसिस के एटम और एक कॉर्नर के, और इसका ये देखिए ध्यान से एटम, इसका एनिमेशन ये आपका इस तरीके से फेस के जो है आपके हाफ पार्ट कॉर्नर का 1/8 पार्ट मिलके, और ये एबीसी तीन लेयर्स होती हैं, एबीसी ये लेयर वो मिलकर आपका किस तरीके से एक ये एफसीसी यूनिट सेल बना दिया। देन आपका ये बॉडी सेंटर्ड, ये बॉडी सेंटर्ड का आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से, ये जो 8 9 एटम एक बॉडी सेंटर्ड 8 कॉर्नर पर किस तरीके से एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट को बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये सिंपल क्यूबिक का है, जैसे सिंपल क्यूबिक का बनाना है तो ये आपका सिंपल क्यूबिक का लैटिस पॉइंट है, ठीक है। फेस सेंटर्ड का बनाना है आपने तो ये फेस पे कॉर्नर पे भी आइटम्स हैं और फेस पे भी हैं, फेस के सेंटर्स पे आइटम्स हैं, ठीक है। ये आपका एक स्पेस लैटिस का डायग्राम दिखाया जा रहा है आपको, ये थ्री डायमेंशन में लैटिस किस तरीके फैले होते हैं, तो ये आपका एक सॉलिड स्टेट का एनिमेशन है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेंसिटी, हम डीजल डिनोट कर देते हैं, कुछ बुक्स में ये रो से भी डिनोट कर रखी होगी। तो डेंसिटी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये कि आप बड़े से मास की डेंसिटी निकालें या एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालें, दोनों में जगह ही डेंसिटी सेम होगी। तो डेंसिटी जो है आपका, यदि हम यूनिट सेल के लिए अप्लाई करें तो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसके इक्वल होगी, ये आपकी एक यूनिट सेल होगी। ठीक है, ये आपकी बीसीसी भी हो सकती है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड भी हो सकती है, एन सेंटर्ड भी होती है, सिंपल भी हो सकती है। तो इसमें आपके एन जेड जो है वो नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या आपके मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं जेड इंटू मास ऑफ एन एटम और आयन और पार्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यदि इसकी साइड ए है, हमने यहां पर क्यूबॉइड मान ली है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब। अब मास ऑफ एन एटम क्या हो सकता है पार्टिकल, तो वो हम निकाल सकते हैं कि भाई मोलर मास, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। भाई आपका मान लो मैं एक हाइड्रोजन एटम का मास निकालना हो तो एक ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 × 10^23 एटम को एक एटम का मास के लिए डिवाइड करें,
तो मास ऑफ एन एटम के लिए यहां पर आप फॉर्मूला में सकते हैं z इंटू एम बाई एन नॉट इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो यहां पर n जो है आपका मोलर मास, मोलर मास ऐसी टर्म है जिसमें मैं मॉलिक्यूलर मास भी आ सकता हूं, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। और नॉर्मली क्या है कि यहां पर हम लोग केमिस्ट्री में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे होगा आपको आंसर डेंसिटी का, और ए की वैल्यू नॉर्मली हम पिकोमीटर या नैनोमीटर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप सेंटीमीटर में अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर ले। आप जानती हो कि एक सेंटीमीटर बराबर 10^7 नैनोमीटर और पिकोमीटर बराबर 10^10 और सॉरी -10 सेंटीमीटर और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 सेंटीमीटर। तो इन सब कन्वर्जन फैक्टर्स का आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज कर ले। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, परसेंटेज उसमें भी दे सकता है पैकिंग एफिशिएंसी। ये आपका टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द एटम डिवाइड बाय स्पेस इन द यूनिट्स है, ठीक है। तो उसके जो रेशियो होती है उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो आपका जैसे सिंपल क्यूब है, इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, तो हम इसका जो है एक्सट्रीम केस मान लेते हैं कि ये दोनों एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बिगेस्ट है, ठीक। तो आपका जो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन होगा दैट इज इक्वल टू आपका स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और आप इसमें जानते हैं भाई ये वाला हम एक्सट्रीम केस ले लेते हैं, ठीक है, और ए इज इक्वल टू 2r मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ए क्यूब। तो जब ये ए क्यूब हो गया तो और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर है, रेक का 1/8, ठीक है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ए की जगह हम 2r रख दें, 8 से 8 कैंसिल, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r की होल क्यूब। तो इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0.52 और 52% आपका आंसर होगा। सो हम जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसको एफसीसी में कैलकुलेट करें, फेस सेंटर क्यूबिक में। तो इसमें आपका तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो है मान लीजिए हमने 3 आइटम्स एक डायरेक्शन में, बाकी सब भी इकट्ठे मिले हुए होंगे, ठीक है, ऐसा फिगर में दिखाई दे रहा, लेकिन ये है। तो इसमें जो है हम आपका a √2 = 4r मानते हैं, ठीक है। तो वही पैकिंग फ्रैक्शन के लिए पुरानी बात कि पैकिंग फ्रैक्शन = आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। टोटल आपके 4 एटम्स हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और ये वॉल्यूम क्या था आपका ए क्यूब। तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2√2r
उसको वैल्यू आप पुट कर दिया 4 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय 2√2r³³। इस सब को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सर आपका आएगा 0.74, यानी इसमें जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है दैट इज 74%। आपकी जो स्पेस है वो एटम्स के द्वारा ऑक्यूपाई होती है और 26% एटम्स एम्प्टी होती है। So now we will discuss about the packing fraction in BCG. ठीक है, ये जो है हमारे को यहां पर एक तो इसमें हम इन तीन एटम्स को एक लाइन में मान लेते हैं और √3 = 4। ठीक है, इसको आप जो हो इस मॉडल से समझने की कोशिश करो। ठीक, बॉडी डायगोनल मतलब क्या होगा आपका, इस पॉइंट और इस पॉइंट का हम चलेंगे। ठीक है, इसको आप कंसीडर करें ट्राइंगल और एक ये आपकी और लाइन। ठीक है, एक ये लाइन और एक इन दोनों को ज्वाइन। तो अब इसको अक्सर बुक्स में इस तरीके से दिखा दिया गया होता है, ये ए √2, ये 90 है। ठीक, ये आपको मॉडल से क्लियरली थ्री डायमेंशन नजर आ गई। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है, तो ये √2, ये आपकी √3 हो जाएगी। कैसे, ए स्क्वायर मान लो ये बी है, √√a² और √2² √2a² + √2a² तो आपका √3 आ गया। यहां भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ आपका एटम्स, 2 इसमें एटम्स होते हैं, 4/3 πr³ डिवाइड बाय a³ और a = क्या हो जाएगा आपका 4/√3। इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे हम लोग और कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका आएगा 0.68, यानी इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता 68%।